इस वीडियो में हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल में पुलाव। इसे बनाने के लिए हमने चावल को अच्छे से धो के पानी निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें खड़ा गरम मसाला और तेज पत्ता डालेंगे। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे। अब एक मिनट बाद इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 2 कटोरी लिया है। 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी डालेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल को डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फिर ढक कर मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 6 से 7 मिनट बाद हमारा चावल जो है वो हाफ पक चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे और 1 चम्मच केवड़ा जल डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे ढक कर चावल के सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद चावल जो है वो अच्छे से पक के सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक कर ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम सर्व कर लेंगे। ये हमारा बंगाली स्टाइल पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप पनीर, छोले, आलू दम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी एक बार पुलाव बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।